अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ओके, हमारा कोर्स चल रहा है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो आज की क्लास बेसिक पॉइंट्स कुछ कल हमने क्लियर कर लिए थे, ठीक है, थोड़ी सी अलाइनमेंट सेटमेट करने के लिए। तो आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से हमारा ये विंडो है, ठीक है, यहाँ पे स्लीव आती है और यहाँ पे बैक हमने उल्टी बनाया करनी है, ठीक है, लेकिन हम इसे रोटेट कर लिया करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फ्रंट आता है। ओके, हमने कल जो क्लास ली थी, क्या आपके बेसिक पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो आपके क्लियर होंगे, ठीक है, और साइजिंग की क्लास भी हमने एक रखी थी जो कि इसको मैंने क्लियर किया था, इस बात को कि इन साइज़ को कैसे रखना है। अगर फिर भी आप में कोई मसला आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं, इसी क्लास में भी पूछ सकते हैं साइज़ के बारे में, और ये साइज़ नोट कर लें, ठीक है। तो जब हम किसी मोटिव को लेते हैं, कोई भी मोटिव फर्ज कर ले, मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ से अपनी विंडो डी में जाता हूँ और लाहौर का डाटा खोलता हूँ और शटरस्टॉक में जाता हूँ, और शटरस्टॉक के ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन पड़े हुए हैं, ठीक है। हम इनमें से अगर किसी को भी फर्ज कर लें, कौन सा लूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ये देखें इतना ज़बरदस्त होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं आपसे एक बात क्लियर करता जाता हूँ, जो कि मैंने इससे पहले वाली बेसिक पॉइंट्स क्लास में मैंने ये बात क्लियर नहीं की थी, तो इसलिए मैं इस क्लास में क्लियर करूँगा, ठीक है। ओके, इसे मैं और जूम कर लूँ, ठीक है। शिफ्ट बटन प्रेस किया और सॉरी डब्ल्यू बटन प्रेस किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये हो गई सिलेक्शन, ठीक है। जब भी किसी मोटिव को अरेंजमेंट करना होता है तो सबसे पहले उसकी रेजोल्यूशन, उसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और उसकी डार्क और लाइट का ख्याल किया जाता है। हम इस डिज़ाइन पे जाते हैं, ठीक है, तो ये मोटिव है, ये देखें, अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन की है तो इसने किस तरह से अंदर भी पिक कर लिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आपके मोटिव को इसने कर दिया। तो अगर आप डबल क्लिक करके इसे जस्ट डिलीट करते हैं तो ये आपका यानी कि बहुत मसला आएगा, यानी कि फ्लावर कट हो चुका है। तो सो आपने करना ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टॉलरेंस यानी कि यहाँ पे देखना है कि कितना है, अगर यहाँ पे आप 20 रखते हैं तो फिर क्लिक करेंगे तो देखें, ठीक है, जस्ट इसने एजेस को पकड़ा है, ठीक है। ये मोटिव नीट करने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है। ओके, फर्स्ट मैं इसे जूम करके देखता हूँ, ये देखें इन हो चुका है, थोड़ा सा अंदर को आ चुका है, ठीक है। तो ये मैं आपको और भी बताता हूँ, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें और थोड़ा सा इन हो गया। अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो अब मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं 40 कर देता हूँ तो अब क्लिक करूँ तो ये ऐसे आएगा कि ये इन होता जाएगा, ठीक है। ओके, ये कम अज़ कम आपने ना 30 पे रखना होता है, ठीक है, ये इंटर में करूँ और 30 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने 30 रखना होता है, ठीक है। ओके, जो भी मोटिव नीड करना हो जस्ट आपने कुछ फिल्टर यूज़ करने हैं। अडोब सीसी में यहाँ पे ऑयल पेंट होता है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में मैं वो इंस्टॉल कर लूँगा, अडोब फोटोशॉप सीसी, ठीक है, तो उसका भी सेटअप वहीं से ही मिलेगा जैसे मैंने इस क्लास में बताई थी, यहाँ पे एक क्लास थी, ठीक है, हाउ कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, ये आई थिंक ये है, ये तो जिस वेबसाइट से मैंने यहाँ से डाउनलोड करना है वहीं से आपने वो भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपने जो में जाना है और बल्कि ब्लर और सरफेस ब्लर, ठीक है, F5, तो ये देखें आपकी जो फ्लावर की सरफेस है वो थोड़ी सी नीट हो जाएगी, ठीक है। अगर 115 अब आप करते हैं तो
आपने यहाँ पे 5 और 15 ही रखना है हर मोटिव के लिए, ठीक है। तो ये देखें, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये पहले यूँ था तो अब यूँ हो गया, ठीक है। मैं इसको नीट करता हूँ, यहाँ पे W क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे डिलीट करें, W W W W यहाँ पे क्लिक करते जाएं आप, ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे आपने जब क्लिक करके ये डिलीट कर लेना है। तो ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ मोटिव्स होते हैं, फर्ज कर लें हम इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। ये मैं डिलीट करता हूँ, एक ये और एक ये, यहाँ से मैं इसको अपने एरिया में लेके जाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ज़ीरो यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने इनको सिलेक्शन लेनी है, कुछ जो आपके मोटिव ब्लर भी होंगे, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे एजेस वाइट आ जाते हैं, तो वो वाइट एजेस नहीं चलते, क्योंकि जो हेड साहब होते हैं, जो आपके हेड होते हैं, वो उनको इतना जूम करके देखते हैं, तो फिर आपके मसला बनेगा, ठीक है। तो आप दो तरीके हैं इसके, एक तो इसकी सिलेक्शन लें, ठीक है। यहाँ पे ये सिलेक्शन आ गई, तो आपने एक्सपेंड करना है। तो आपने करना ये है कि एक तो इसकी सिलेक्शन ली हुई है आपने, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि सिलेक्शन नज़र आए, ठीक है। Alt S सेलेक्टेड, M से मॉडिफाई एंड ई आपने क्लिक करना है। ई पे जितना आप प्रेस करेंगे, फर्क नहीं, चार ही करता हूँ, तो ये यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कंट्रोल डी करना है, और इसकी जब सिलेक्शन लेनी है, ठीक है, जब हमने सिलेक्शन लेनी है, यहाँ पे देखते हैं एक बात और, यहाँ पे जब हमने इसकी सिलेक्शन ली हुई है, तो इसने सिर्फ इस फ्लावर की सिलेक्शन ली हुई है, तो मैंने इस फ्लावर की सिलेक्शन नहीं लेनी, इसके उल्ट लेनी है, यानी कि बाकी एरिया की लेनी है, जो ट्रांसपेरेंट फिलहाल कह सकते हैं या बैकग्राउंड को कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई से ये चेंज हो जाएगा, देखिएगा ये फुल कवर कर गया है इसको, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई फिर अगेन करता हूँ, तो ये जस्ट फ्लावर को क्लिक कर गया है, ठीक है। मैं इसकी विंडो और कम कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए, ठीक है। मैं कंट्रोल ज़ीरो करता हूँ, यहाँ पे देखें, अब मैंने इसकी सिलेक्शन कर दी, तो कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा तो ये फुल सिलेक्शन लेगा, यहाँ तक सिलेक्शन लेगा, ठीक है। तो जब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा तो ये अगेन उस फ्लावर की सिलेक्शन करेगा। अब मैं इसकी एक बार मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेता हूँ ताकि इसकी फुल सिलेक्शन ले ले, और मैं इसको जूम करता हूँ, तो ये देखिएगा, मैं Alt+SM+E करता हूँ, तो यहाँ पे जब आपका वाइट एरिया आ जाए, यहाँ पे एजेस में वाइट एरिया आए, तो इसको हल करने के लिए दो तरीके आपने यूज़ करने हैं। नंबर वन, 2 पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जब वाइट एरिया से इन हो जाएगा, अब मुझे वाइट मोटिव लाने में और वहाँ को नीट करने में थोड़ी सी देर लग जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। फर्ज़ कर लें यहाँ पे वाइट एरिया आ रहा है, तो ये आपने एक्सपेंड करके इन कर लेना है, और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, ठीक हो गया। अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरा जो मोटिव है वो उसकी पहले ही चौड़ाई इतनी है कि वो ख़त्म हो रहा है, तो आपने यूँ करना है कि मैं बैक जाता हूँ और मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ। अगेन मैंने इस फ्लावर की सिलेक्शन ली और Alt+ES करूँगा। Alt+ES से मैं जस्ट ब्लैक इसको स्टॉक दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा और सेंटर करना है, आपने सेंटर ही करना है, ठीक है। आउट करेंगे तो इस लाइन से बाहर की तरफ स्टॉक लगेगा, अगर सेंटर करेंगे तो इस लेंथ के इधर भी लगेगा 1 इंच और 1 इंच इधर भी, और इनसाइड करेंगे तो जस्ट इस तरफ लगेगा। तो आपने सेंटर करना है ताकि कोई ख़राबी ना आए। कंट्रोल डी का लेना है और कंट्रोल ज़ीरो का लेना है। अब ये देखें, अगर आपके एजेस हैं भी सही तो वो मसला नहीं करेंगे, ठीक है।
अगर एक तो ये मोटिव हो गया, मैं एक और मोटिव ले आता हूँ यहाँ से, इसको ले आता हूँ, ठीक है। इस पे समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन लेता हूँ। तो यहाँ पे एक और बात बता दूँ आपको, कुछ शॉर्टकट के जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो वो काइंडली आपने अपने पास सेफ रखनी है और उसी ही को यूज़ करना है। जो मैं शॉर्टकट बताता हूँ उसे ही को यूज़ करना है, कोई भी आपने यहाँ से काम नहीं लेना, ठीक है। कंट्रोल सी करना है, आर डब्ल्यू वन, ओके, आर डब्ल्यू वन, क्यों नहीं क्लिक कर रहा, 1 मिनट, आर डब्ल्यू वन, ठीक है। यहाँ पे आपने वन विंडो में आएंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपने कंट्रोल आर क्लिक करना, ठीक है। अब आपने इसकी सिलेक्शन ली और शिफ्ट प्लस, यहाँ पे आपने इसको डिलीट कर देना है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट कर देना है। अगर अब आपने जूम करके देखना है, एक्चुअली मेरे पास मोटिव इतने हाई रेजोल्यूशन पड़े हैं, ठीक है। तो ओके, देन मैं इसको देखता हूँ। अब ये देखें, ये मसला आ रहा है। तो आपने एक तो इसकी सिलेक्शन लेनी है यूं करके, आई थिंक इसकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। और आर्ट बैक स्पेस से, ये ऊपर वाला आर्ट बैक स्पेस से होगा ब्लैक, तो यहाँ से आपने इसको और ब्लैक कर लेना है, अच्छी तरह ब्लैक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हाल है, ये देखें अच्छी तरह नीट हो चुका है। कैसे मैंने किया, मैं अगेन करता हूँ। यहाँ पे मैं अब बैग चला गया, ये देखें अब आपके एजेस खराब हैं, आपने जस्ट बैकग्राउंड डिलीट किया है। तो आपने इसकी सिलेक्शन कैसे लेनी है, कंट्रोल प्रेस रखना है और यहाँ पे क्लिक करना है, और जो ब्लैक नीचे है अगर, तो कंट्रोल बैक स्पेस से इसे फिल कर लेना अच्छी तरह रहेगा आपका, ठीक है। तो ये दो कुछ इस क्लास में जो मैंने आपको बताया, एक तो ये है कि अगर आपके वाइट एजेस हैं तो वो आपने स्ट्रोक देने हैं, अगर आपने स्ट्रोक नहीं देना तो आपने सिलेक्शन को एक्सपेंड करना है। दूसरा ये कि जब आपने बैकग्राउंड इसका डिलीट करना है, तो डिलीट करने के बाद इसकी सिलेक्शन लेनी है, सिलेक्शन लेकर इसका जो कलर है उसे अच्छी तरह फिल कर लेना है, ठीक है। तो ये दो ये आज की क्लास को आप कवर कीजिएगा और इसको अच्छी तरह करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।